आज आपके बीच रियल एनालिसिस का इनफिनाइट सीरीज में जो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट दो टॉपिक पढ़े थे, जो पहला था कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा था कंपैरिजन सीरीज। सो कंपैरिजन सीरीज हो सकते हैं, नहीं तो पी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, चाहे जनरलाइज हारमोनी सीरीज हो सकते हैं इसको, तो तीन नाम से जानते हैं इसको, द पी सीरीज भी बोल सकते हैं या जनरलाइज हारमोनिक सीरीज। तो मेन हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन सीरीज में। तो एनालिसिस कैसे होगा, तो थ्योरम तो सब कंप्लीट हो गया आप लोग का, अब इसमें कुछ एग्जांपल लेके एनालिसिस सिखाएंगे आप लोगों को कैसे कंपैरिजन करते हैं और कैसे कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन सीरीज को यूज करते हैं कोई भी इनफिनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाने के लिए। तो चलिए आज लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 36 तो कुछ एग्जांपल से लेते हैं। एग्जाम्पल वन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज, कितना दिया हुआ, सीरीज लेते हैं हम समेशन ऑफ एन बराबर टू से लेकर इनफिनिटी तक वन बाय लॉग एन। यहाँ टू से इसलिए दिया गया है कि लॉग वन का मान तो जीरो होगा और वन बाय जीरो डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए टू से शुरू किया गया यहाँ पर। अब लॉग टू का वैल्यू क्या होता है, टू से छोटा होता है, यानी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ लॉग एन वो किससे बड़ा किससे छोटा है, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बताया गया था कि जैसे यू एन लेस देन इक्वल टू को भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया हुआ हो, कि जब कोई नंबर हो फिक्स नंबर भी है, अगर ये कंपैरिजन कर दें कि यह कन्वर्जेंट है ये भी क्या हुआ, कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये अगर डाइवर्जेंट तो भी क्या हुआ, डाइवर्जेंट होगा। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कंपैरिजन में, इवन बटे वी एन, अगर लिमिट ले लेते हैं इवन बटे वी एन, एन टेंड टू इंफिनिटी, अब कोई एल ऐसा वैल्यू आ जाए जो फिक्स वैल्यू हो, फिनाइट वैल्यू हो और जीरो के बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि जो लिया गया सीरीज यूएन और वीएन जो है या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि वीएन को चेक कर लेंगे। यह कंपैरिजन यह दिखाता है दोनों में लेस देन इक्वल टू में, यह कन्वर्जेंट यह भी कन्वर्जेंट, यह डाइवर्जेंट तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट। और यह कंपैरिजन यह दिखाता है आपको टेस्ट या कोई लिमिट लेने के बाद कोई फिनाइट वैल्यू आ जाए ना, तो यह कह सकते हैं और जीरो नहीं हो तो कह सकते हैं कि यह कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। फिर एक बताया गया था पी सीरीज, जैसे वन बटे एन टू पावर पी के रूप में बोला गया था कि यह कन्वर्ज तब भी होगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब पी ग्रेटर देन वन हो, पी क्या हो, ग्रेटर देन वन, यानी पी का मान वन से बड़ा हो, टू हो, थ्री बाय टू हो, फाइव हो, कोई भी टू से बड़ा हो, वन से बड़ा होना चाहिए। अगर पी के वैल्यू वन से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि वह कन्वर्ज है, यानी बाय पी सीरीज। फिर कॉमन ज्योमेट्री से भी पढ़े थे कि कॉमन रेशियो अगर लेस देन वन है तो वो अभी क्या है, कन्वर्ज है। चलिए यही सब यूज करेंगे हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम स्टार्ट यहां से करते हैं, इससे कंप्यूटर करते हैं क्या कि लॉग एन जो है क्या है, लेस देन है किससे, एन से, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए। एन का वैल्यू अगर टू लेते हैं या टू से बड़ा लेंगे तो लॉग एन का वैल्यू क्या हुआ, छोटा हो किससे, एन से। लॉग टू का मान जानने कर करके देख लीजिएगा उसका एन से क्या छोटा होता है, इसीलिए अगर डिवाइड में करते हैं पॉजिटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, वन बाय
एन से, इससे क्या हो बड़ा, बड़ा हो जाए किससे 1/n से, यानी 1/n पर आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर यह डाइवर्जेंट है तो भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी 1/n का गया 1/n लेस देन किसे आएगा 1/ln से, तब यह टेस्ट करें कि यह डाइवर्जेंट है तो भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, यह कन्वर्जेंट है तो भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। चलिए देखते हैं, नाउ एक लेते हैं समेशन ऑफ कितना 1/n, n बराबर कितना 1 से लेकर इनफिनिटी तक, यह क्या है इतना ये जो क्या हुआ। अब बताइए अभी p सीरीज में पढ़े थे हम लोग कि वह समेशन ऑफ 1/n टू पावर p इस रूप में हो, अब p का वैल्यू क्या है लेस ग्रेटर देन 1 होता तो कन्वर्ज, अब p का मान लेस देन या इक्वल टू 1 होता तो क्या होता डाइवर्ज। यहां देखिए कि यह क्या हुआ इतना इज डाइवर्ज, क्यों डाइवर्ज हुआ क्योंकि यहां पर p का जो वैल्यू है 1 के बराबर है, क्या है p का वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो बाय p सीरीज से वी हैव टू शो दैट कि समेशन इतना इज डाइवर्जेंट। p सीरीज या कंपैरिजन सीरीज के माध्यम से कह सकते हैं यह क्या है डाइवर्ज है, जब यह डाइवर्ज है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट यह भी क्या होगा दिया गया सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्ज हो जाएगा। बहुत सिंपल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट से इसके माध्यम से कह सकते हैं यह डाइवर्ज है, क्या डाइवर्ज हो जाएगा टेस्ट गिवन सीरीज सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा इज डाइवर्जेंट। कौन सा सीरीज जो दिया गया सीरीज है सो हम लोग को टेस्ट करना था कि कन्वर्ज है कि नहीं, तो कन्वर्ज नहीं है क्या है डाइवर्ज है। क्लियर हो गया आपको। अब और नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 टेस्ट द सीरीज फैक्टोरियल n बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी तक फोर कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट, यह तरह क्वेश्चन पूछ दे तो इसी को इस तरह भी पूछ सकता है वो किस तरह से इसको अगर सीरीज में लिखते हैं इस तरह होगा सो डैट द सीरीज कितना 1/1 हो गया 1/2 1/3 .. ये सब क्या हुआ इज कन्वर्जेंट, या क्या हुआ कन्वर्जेंट होगा वो दिखाइए, इस तरह कह सकते हैं। तो जब एक फैक्टोरियल के रूप में है एक सीरीज के रूप में है तो दिखाने का एक तरीका क्या है कि अभी तो बताया था कि यू एन और बी एन को दो एनालिसिस करके हम लोग उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में यहां दिखा सकते हैं हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि वी है कितना समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी तक दिया हुआ है 1/2 इसको क्या लिखेंगे इतना लिखेंगे 1+1/2 1/3 प्लस .. इस तरह से। तो ना अब एक कम एनालिसिस कर रहे क्या 1 के लिए तो नहीं हो पाया 1 के लिए 1 होता है अपना, तो 1/2 का मान कितना हुआ 1/2 के बराबर होगा। अब 1/2 के बराबर होगा तब किसे लक्ष्य करेंगे इससे करेंगे 1/3 हम बताए थे कि जो कुछ नहीं मिलता तो क्या करेंगे ज्योमेट्री सीरीज से करते हैं लोग,
तो कितना लिखेंगे, वन बाय फोर्टी मान कितना है सिक्स, यह क्या हो जाएगा लेस देन होगा किससे, वन बटे टू के स्क्वायर से, वन बटे फैक्टोरियल टू लेस देन इक्वल टू वन बाय टू, वन बटे फैक्टोरियल थ्री लेस देन किससे वन बाय टू के स्क्वायर से। फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या हो गया, वन बटे फैक्टोरियल में वन टू थ्री यानी सिक्स, सिक्स कितना हुआ छोटा हुआ किससे वन बाय फोर से। अब बोलिए ऐसा है क्यों लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन होता हुआ क्योंकि बार बार एक, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एक रेशियो कितना रहा वन बाई टू आ गया तो वन बाई टू को ही दिखाएंगे हम लोग, वन बाई थ्री आ गया तो वन बाई थ्री से दिखाएंगे सब, उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे कंपेरिजन करेंगे। अब देखिए वन बाय फैक्टोरियल फोर क्या हुआ ले जो होगा वन बाय टू की पावर थ्री से, करके देखिए एट हो गया, ये कितना हो गया फोर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ये क्या हुआ छोटा हुआ, जितना नीचे बढ़ा रहेगा संख्या का छोटा हो जाएगा, क्योंकि वन बटे टेन और वन बटे नाइन पूछा जाए कि कौन छोटा है, वन बटे नाइन के वन बटे टेन तो वन बटे टेन क्या छोटा है किससे वन बटे नाइन से, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब क्या होगा वन बाय बटे फैक्टोरियल एन क्या हो जाएगा ले दोनों होगा किससे, अब एनालिसिस कर रहे हैं टू के ऊपर, किस पर टू के ऊपर, सेकेंड तरफ के लिए टू है, थर्ड तरफ के लिए टू थ्री है, फोर्थ के लिए कितना है तो एन के लिए क्या होगा एक कम होगा, थ्री के लिए टू है, फोर्थ के लिए थ्री है, एन के लिए क्या हो जाएगा वन बाय टू की पावर एन माइनस वन एक कम होता जा रहा है, इस तरह बढ़ते जाएगा। अगर सबको जोड़ दिया जाए एडिंग वी गेट, अगर सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो कितना था लेफ्ट साइड में वन प्लस वन प्लस कितना होगा वन बटे फैक्टोरियल टू प्लस वन बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 वन बटे कितना फैक्टोरियल एन क्या हुआ लेस देन होगा किससे, वन इधर भी लिया इधर भी लेना पड़ेगा, वन प्लस कितना था वन बाई टू था ठीक है, था वन बाई टू का स्क्वायर था ठीक कितना था वन बाय टू का क्यू था, इस तरह कितना तक था वन बाय टू टी पावर एन माइनस वन। अब क्लियर हो गया आपका, जिसे एनालिसिस करने जा रहे हैं आप तो वह क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज, क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं आर का मान निकालते हैं कॉमन रेशियो, और वह चेक कर लेते हैं कि आर का मान अगर वन छोटा आ गया तो समझ जाएंगे कि वह 100% क्या है कॉन्वर्ज है। करके दस वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू यह भी है यही है वन बाय टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 है ना, आर में क्या है जीपी, किसमें है जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हुज जिसका कॉमन रेशियो कितना है आर कितना लगभग क्या होता है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म कॉमन रेशियो होता है, जैसे ही करेंगे क्या आएगा वन बाय टू आ जाएगा, और वन बाय टू क्या है लेस देन वन, वन से क्या छोटा आर का वैल्यू वन बाय टू वन से छोटा है तो आर भी क्या वन से छोटा सा हो गया, तो विच इज कन्वर्जेंट जो क्या है कन्वर्जेंट का कंडीशन है, कन्वर्जेंट कंडीशन है यह कन्वर्जेंट है ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं गिवन सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, द गिवन सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट क्या कन्वर्ज करेगा, तो हम लोग चेक कर रहे थे क्या एक क्वेश्चन दिखे थे कि वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, वो जांच कीजिए कि कन्वर्ज हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था उसी को प्रूफ कीजिए कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट आपका हो गया। इस तरह से हम लोग एक कंपैरिजन दो को यूज करते हैं, एक पहला क्या है कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा क्या है कंपैरिजन सीरीज जो पी सीरीज को बोलते थे, यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज को भी एनालिसिस में ला रहे हैं।
अब देखिए एग्जांपल नंबर थ्री, डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं आपको। सो डैट ये पांच छह तरह का होता है अलग अलग जंक्शन कर दे रहे आपको ठीक है करके। समेशन ऑफ वन बटे एम लॉ साइन वन बाई एम, ये क्या है प्रूफ करना कि इतना कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज के लिए अब यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है समेशन ग्रुप में, U का वैल्यू जो है वन, इवन का वैल्यू कितना है वन बाई एन साइन वन बाई एन। अब हम लोग देखिए इस साइन में आ गया फिर, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है कि वी नो डेट अगर एन टेंस टू इंफिनिटी हो और साइन वन बाई एन बटे साइन वन बाई एन किया जाए तो वैल्यू क्या होगा वन के बराबर होगा। एन टेंस टू इंफिनिटी होते वन बाई फिर क्या होगा जीरो, तो यहां पर ऐसा बताते हैं वन बाई एन बराबर एक्स मान लेंगे, तो एन टेंस टू इंफिनिटी तो क्या हुआ एस टेंस टू जीरो, तो क्या हुआ एस टेंस टू जीरो साइन एक्स बाट एक्स आ जाएगा फिर वन बाई एन एक्स मानते तो फिर क्या होगा नहीं आएगा। अगर ऐसा है यहाँ पर होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसी से कंपेयर करेंगे। हम बताए थे वो कि लिमिट रेशियो ई लिमिट ला लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वी एन बटे वी एन बराबर अगर कोई फिनाइट वैल्यू आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि लिया गया यूएन और वीएन जो है क्या है कन्वर्ज करेगा तो या डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर यूएन तो मालूम है, कंफ्यूजन होता है वीएन, वीएन क्या लिया जाए, क्वेश्चन होता है वीएन क्या लिया जाए। यहाँ पर देखिए कि वन बटे एन यहाँ होना चाहिए फिनाइट वैल्यू के लिए और एन बाई एन पहले से गुना है, इतना टर्म लेना पड़ेगा कि 1 बाई एन कैंसिल भी हो जाए और 1 बाई एन यहाँ पर आ भी जाए तो वैल्यू कितना 1 बाई एन लेने पर। तो वी एन के मान क्या लिया जाए यानी 1 बटे अगर एन स्क्वायर किया जाए एक एन कट भी जाएगा आपका 1 बाई एन से वो 1 बाई एन कट जाएगा 1 बाई एन का स्क्वायर लेते हैं तो अब क्या बचेगा साइन 1 बाई एन बटे 1 बाई एन इतना होगा। नहीं तो यूएन को इस तरह तोड़ दें हम लोग यूएन बराबर कितना 1 बाई एन साइन 1 बाई एन, तो ऐसा कर सकते हैं कि साइन 1 बाई एन बटे 1 बाई एन अगर करते हैं तो वैल्यू क्या होगा 1 होता। तो क्या करेंगे जब इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इतना से हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा। उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या लेंगे रीटेक कंपेरिजन करने के लिए कि वी एन बराबर क्या लेंगे 1 बटे एन स्क्वायर लेंगे चाहे 1 बाई एन का होल स्क्वायर लेंगे तब क्या हुआ इस रूप में आ जाएगा मेरा। और जब इस रूप में आएगा तो हम लोग इसके माध्यम से कह सकते हैं कि लिया गया यूएन और वी एन जो है कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो नाउ अब क्या लेंगे लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी साइन वन बाई एन बटे कितना हुआ वन बाई एन, ये यू के मान था चलिए इधर नहीं आ रहा ऊपर में लेते हैं। नाउ लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी यूएन बटे वी एन जैसी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी साइन वन बाई एन पहले कितना वन बाई एन साइन वन बाई एन अब बटे वी एन कितना वन बटे एन स्क्वायर। अब देखिए वो क्या वन बटे एन कट गया क्या बचेगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी क्या साइन वन बाई एन बटे वन बाई एन वैल्यू क्या हो जाएगा वन, ये होता था। अब एन का वन क्या हो गया फिनाइट वैल्यू आ गया, क्या गया फिनाइट वैल्यू आ गया। और जैसी ये फिनाइट वैल्यू आ गया लिमिट लेने पर तो हम लोग क्या कंपेरिजन जानते हैं कंपेरिजन क्या था कि अगर ऐसा हो विच इज फिनाइट विच इज फिनाइट एंड नॉन जीरो फिनाइट एंड नॉन जीरो आना चाहिए तो आ गया मेरा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया सीरीज जो है या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो हेंस द सीरीज
ईवन एंड वीएन क्या करेगा, तो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट या डाइवर्ज, कन्वर्ट करेगा तो अब डाइवर्ज करेगा। तो हम लोग पी सीरीज का यूज करेंगे चाहे ज्योमेट्री सीरीज का यूज करेंगे, जो देखेंगे हम लोग पी सीरीज में एन के रूप में है, एन के पावर के रूप में है, तो समझिए कि पी सीरीज ही लगेगा आपका 100%। तो क्या करेंगे, बाय पी सीरीज या ऐसा कर दीजिए बट वी एन लेते हैं, वी एन रहा कितना वन बटे कितना एन स्क्वायर, आइए क्या है इज कन्वर्जेंट, क्या है कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, तो बाय पी सीरीज या कंपैरिजन सीरीज के माध्यम से कह सकते हैं यहाँ पी का जो वैल्यू है वह क्या है ग्रेटर देन वन है, क्यों ग्रेटर देन वन, यहाँ टू है और टू क्या होता है वन से बड़ा होता है, इसलिए पी क्या है वन से बड़ा है। यह सिस्टम को फॉलो कर रहा है पी सीरीज का, तो हम बोल सकते हैं कि वी एन क्या है कन्वर्ज है, वी एन कन्वर्ज है तो हम यू को भी कन्वर्ज बोल सकते हैं, बोल दीजिए। हेंस गिवन सीरीज इज गिवन सीरीज कितना वन बाई एन साइन कितना वन बाई एन प्रूफ कर रहे थे हम लोग एन बराबर वन से इनफिनिटी तक, क्या है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो रूट में दिया हो, जैसे एग्जांपल नंबर फोर एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज कितना अंडर रूट एम हो, एन हो, कुछ भी हो, एन फोर प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फोर प्लस माइनस वन। अब कहानी होता है कि इसको ऐसे रूट में दिया हो चाहे ऐसे रूट में दिया हो, अंडर रूट एन फोर प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फोर माइनस वन इस तरह दिया हो या इस तरह दे कि चेक कीजिए अंडर रूट एम एम पावर फोर प्लस वन माइनस रूट एम फोर पावर फोर माइनस वन, चेक कीजिए चाहे एग्जामिन कीजिए जांच कीजिए कि कन्वर्ज है कि डाइवर्ज। इस तरह क्वेश्चन आपका अगर आता है तब क्या करेंगे, देख लीजिए इसको तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमको ईवीएन का मान मालूम है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, हम भी है ईवीएन का मान कितना है अंडर रूट एन फोर प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फोर माइनस वन। अब चलिए चेक करते हैं इसको, तो क्या करना हुआ रेशनलाइज करना हुआ, अंडर रूट एन फोर प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फोर माइनस वन किसे करेंगे, अंडर रूट एन फोर प्लस वन माइनस तो प्लस से करेंगे एन फोर माइनस वन नीचे भी होगा, अंडर रूट एन फोर प्लस वन प्लस अंडर रूट एन फोर माइनस वन एम के रूप में रहता है एम लिखते हम लोग। अब करना क्या है, अब उसमें क्या ए माइनस बी टू ए प्लस बी के रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एन फोर एन फोर कट गया वन प्लस वन बचेगा कितना टू बचेगा आपको टू बटे कितना है अंडर रूट एन फोर प्लस वन प्लस अंडर रूट एन फोर माइनस वन इस रूप में आ जाएगा आपका। अब कहानी उठता है कि इसमें ज्यादा क्या है, जैसी हम लोग लिमिट लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा जैसी इसमें एन फोर कॉमन लेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर बाहर होगा एन स्क्वायर कितना अंडर रूट वन प्लस
वन बटे एन फोर, एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ भी एन फोर कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन बाई एन फोर, एन फोर जैसे रूट से बाहर हुआ तो क्या हुआ, एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी एन स्क्वायर बाहर कर रहे, क्या बचेगा प्लस अंडर रूट वन माइनस वन बटे एन फोर। अब कहा नहीं उठता आपका कि इवन तो मालूम है आपको, तो वी एन क्या लिया जाए, वी एन क्या लिया जाए जिससे आपको लिमिट लेने के बाद कोई फिनाइट वैल्यू आ जाए। अब फिनाइट वैल्यू न जीरो आ जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि वह कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा। तब यहीं पर कहा नहीं उठता कि अगर यह कैंसिल हो जाए है ना, तो हमको लिमिट क्या होगा, फिनाइट वैल्यू आ सकता है। तो क्या लेंगे वीटेक जो एक्स्ट्रा रहता है उसमें, तो वीटेक वी एन बराबर कितना वन बटे एन स्क्वायर। तो नाउ आप लिमिट ले सकते हैं कि लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी यूएन बटे वी एन जैसे कीजिएगा आप और लिमिट लीजिएगा है ना, तो कितना आएगा डालते हैं यह तो कैंसिल हो जाएगा कीजिएगा तो क्या बचेगा टू बटे अंडर रूट वन प्लस वन बटे एन टू पावर फोर प्लस अंडर रूट वन माइनस वन बटे एन टू पावर फोर। डिवाइड करेंगे तो ये वन बटे एन स्क्वायर क्या हो, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा और लिमिट लीजिएगा कितना बचेगा आपका देख लीजिए, जैसी लिमिट लेते हैं तो क्या बचता है टू बटे अंडर रूट वन, तो वन प्लस वन टू बटे टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या है जो वैल्यू लाया हम लोग लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी यू एन बटे वी एन, तो क्या रहा है इक्वल टू वन आ गया, अब वन आ गया क्या विच इज फिनाइट, फिनाइट एंड नॉन जीरो, फिनाइट एंड नॉन जीरो। अगर फिनाइट और नॉन जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि दिया गया यू एन वी एन जो है वह कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा, तो हेंस सीरीज कितना यू एन एंड वी एन आर कन्वर्ज या डाइवर्ज, या तो दोनों के दोनों कन्वर्ज है या तो डाइवर्ज, दोनों में से कोई हो सकता है। अब दोनों में से कोई हो सकता है तो चेक करने के लिए कन्वर्ज ही हो तो क्या करेंगे, दिया गया सीरीज तब क्या करेंगे ए इसको चेक करेंगे बी को, बट वी एन बराबर कितना वन बटे एन स्क्वायर आ गया, जैसी एन वन बटे एन स्क्वायर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए यहां पर टू आ जाए चाहे थ्री बाय टू आ जाए चाहे फाइव बाय टू आ जाए जो भी आ जाए लेकिन वन से बड़ा होना चाहिए, इतना ही क्या हुआ कन्वर्ज हुआ, कन्वर्जेंट भी करते ना, कब कारण क्या है कारण है कि पी बराबर क्या है टू है, टू क्या होता है वन से बड़ा होता है, इसलिए क्या है पी भी वन से बड़ा हो गया, तो पी वन से बड़ा हो गया तो बाय कंपेरिजन सीरीज या पी सीरीज से हम लोग बोल सकते हैं कि यह वी एन जो कि कन्वर्जेंट है, वी एन कन्वर्जेंट है यूएन भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, तो हेंस बाय कंपेरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिया गया सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कुछ चीज ऐसा दिया रहेगा आपको कि एक ही सीरीज में दो सीरीज दिया हुआ है ना, तो दोनों के अलग अलग करके बनाना पड़ेगा आपको, जैसे एक में दो दिया हुआ है जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं नंबर फाइव, एग्जामिन द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज कितना थ्री बाय फाइव प्लस फोर बटे फाइव का स्क्वायर प्लस फोर थ्री बटे फाइव का क्यूब प्लस फोर बटे फाइव पावर फोर प्लस डॉट डॉट इनफिनिट तक, ये साफ दिख रहा है कि दो गो में दिया हुआ है दो टर्म में, ये वो थ्री थ्री लग गया है और फोर लग गया है, तो वी है समेशन ऑफ इवन
एन बराबर वन से फिर तक कितना होगा, दो पार्ट में है, थ्री बाय फाइव प्लस थ्री बटे फाइव का क्यूब प्लस डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, एक पार्ट क्यों हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया फोर बाय फाइव का स्क्वायर प्लस फोर बटे कितना फाइव पावर फोर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, टू इन्फिनिटी तक, दो सीरीज है, दो पार्ट में कर दिए इसको। इसमें क्या हो रहा है कि ये भी कॉमन रेशियो बराबर है, इसका भी कॉमन रेशियो बराबर हो रहा है, ये भी जीपी में है, क्या जीपी में, अब कंपेयर करना है कि जीपी में है दोनों दोनों, तो आर का मान क्या है, इतना बराबर मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एन और दूसरा मान लीजिए बी एन, और यह साबित कर लेंगे, इतना मान लेते हैं, यह साबित करते हैं वन इसमें, यह कन्वर्ज है, ये भी कन्वर्ज है, ये भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अब कभी कभी पूछ देता है कि कन्वर्ज कितना से कर रहा है, कितना से कन्वर्ज करेगा, तो अभी आप निकाल सकते हैं सम करके, देख लीजिए इसमें कुछ ना बता रहे हैं कि जांच भी कीजिए और शो कीजिए कि कितना नंबर से वो कन्वर्ज, कौन सा नंबर से वो कन्वर्ज करेगा, एक कुछ बता सकते हैं इसमें। पहले यह साबित करते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, तो नाउ अब समेशन ऑफ एन बराबर वन से लेकर इनफिनिटी तक एन का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ, थ्री बाई फाइव प्लस थ्री बटे फाइव का स्क्वायर प्लस डॉट कितना इनफिनिटी तक, ये क्या है आर एन जी पी, आर एन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफिनाइट टर्म का सम क्या होता है, ए बटे वन माइनस आर, ए बटे वन माइनस आर, ये क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, क्या कितना होगा जिसका कॉमन रेशियो आर कितना है, सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या बचेगा, थ्री बाई फाइव कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन बाई फाइव बचेगा, वन बाई क्या होता है, वन से छोटा होता है, अब वन से छोटा कॉमन रेशियो आ गया तो क्या बनेंगे, कन्वर्स किया, अब कन्वर्स किया तो कितना से किया, तो हम लोग निकाल सकते हैं सम उसका, सम निकाल लीजिए, सम क्या हो जाएगा, ए बटे वन माइनस आर, आर में कितना है वन बटे फाइव, नहीं फाइव पावर थ्री होगा जी, थ्री बटे फाइव था और फाइव पावर फोर बटे ऐसा था आपका, थ्री बटे फाइव था प्लस फोर बटे फाइव का स्क्वायर था प्लस फिर थ्री बटे फाइव का क्यूब था फिर फोर बटे फाइव पावर फोर था, इस तरह था, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कॉमन रेशियो वन बटे फाइव का स्क्वायर होगा ना, फाइव का स्क्वायर मतलब क्या, वन बटे ट्वेंटी फाइव, वन बटे ट्वेंटी फाइव बोल सकते हो, इतना बटे इतना करेंगे कॉमन रेशियो तो कितना, वन बटे कितना ट्वेंटी फाइव, तो कितना हो गया थ्री बटे फाइव, अब एलसीएम में कितना जाएगा, ट्वेंटी फोर बटे ट्वेंटी फाइव, या ट्वेंटी फाइव बटे ट्वेंटी फोर, तो कितना हो गया कैंसिल हो, कितना बचेगा फाइव बाई एट, कन्वर्ट किससे करेगा फाइव बाई एट से, तो हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एन बराबर वन से फिर तक एन जो है क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किससे, कन्वर्ट टू किससे, फाइव बाई एट से कन्वर्ट करेगा, उसका सम क्या रहा है फाइव बाई कर रहा है। अब इसी में हम लोग ए बी एन भी दिखा देंगे, एंड समेशन ऑफ बी एन कितना था, एन बराबर वन से फिर तक यह दिया हुआ था फोर बटे फाइव का स्क्वायर प्लस फोर बटे फाइव पावर फोर, इतना ही था ना, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। आप देखिए
ये क्या है आर इन जी पी, जी पी में है अहुज कॉमन रेशियो आर जो है कितना हुआ, जैसी डिवाइड में लेता फाइव का या 25 होगा तो क्या हुआ लेस देन वन, वन से छोटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा, किससे कन्वर्ज करेगा तो सम निकाल लीजिए ए बटे वन माइनस आर कितना फोर बटे 25 इंटू कितना 25 बटे 24 कैंसिल कर दी कितना बचेगा 1/6 से कन्वर्ट करेगा। तो लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एन बराबर वन से लेकर इनफिनिटी तक बीएन जो है क्या है इज कन्वर्ट किसे कन्वर्ट टू 1/6। अब दो क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ज है कि नहीं, कन्वर्ज है, कितना से कन्वर्ज करेगा तो भी निकाल दिया। अब बोलता है कि दिया गया जो सीरीज था वह कन्वर्ज हुआ कि नहीं, तो हाँ हुआ, उसका दो पार्ट लिए ये एन और बी एन दोनों दोनों कन्वर्ज आ गया तो पूरा क्या हुआ कन्वर्ज हुआ, तो वह कितना से कन्वर्ज करेगा तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग आ जाएगा। देख लीजिए फ्रॉम वन से कितना समेशन ऑफ एन बराबर वन से पीड़ित तो कितना इवन बराबर कितना था इवन भी है कितना कन्वर्ज कर रहा था एक कर रहा था कितना से इससे पहले निकाले होंगे तो था 8/3 से कटा 5/8 कितना था 5/8 और प्लस कितना कर रहा बी एन 1/6 जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 15 + 4 कितना हुआ 19/24 यानी ये भी कन्वर्ट करेगा लेकिन किससे करेगा 19/24 था केवल कन्वर्ट चेक करने बोला केवल कन्वर्ट कर देंगे और कितना से कन्वर्ट करेगा वो दिखाना भी है तो निकाल सकते हैं आप। तो हो सकता है कि हैंस गिवन सीरीज इवन इज कन्वर्ज टू किससे 19/24 केवल कन्वर्ज बोलेगा तो कन्वर्ट किससे करेगा कितना से करेगा ये दो दो हम लोग आंसर तैयार करते गए ये कन्वर्ज अब कितना से करेगा शो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। एक तो और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आपको क्लियर करते हैं ताकि पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। सीरीज के रूप में दिया हुआ रहता है उसको एन टर्म कैसे निकालेंगे देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 सो दैट द सीरीज 1 × 2/3 × 4 × 3 / 4 × 6 / 5 × 6 / 7 / 8 / ये क्या कन्वर्जेंट यह प्रूफ करना है कन्वर्जेंट है। तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले आपको इवन का मान निकालना पड़ेगा इवन कितना है 1, 3, 5 ओड नंबर क्या है 2n-1 ओड नंबर 1 रख के देखिए आ जाएगा 2 रख के देखिए आएगा ना 3 × 2 इवन नंबर क्या है कितना हुआ 2 × n रख के देखिए यानी जब 1, 2, 3, 4 आ जाएगा पर डिवाइडेड बाय यह कितना है ये भी ओड नंबर है लेकिन 2n+1 के रूप में है और कितना हॉल स्क्वायर हॉल करेंगे 1 रख के देखेंगे या 2 रख के देखेंगे या 3 के लिए आएगा इन टू कितना इवन नंबर जा रहा है तो 2n+2
अब रख के देखिए, वन रखे कितना फोर, टू रखे कितना हो गया, जब फोर टू कितना सिक्स आ जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, सिंपल आ गया आपका इवन के मान आ गया। तो ऊपर में कितना डिग्री है एन स्क्वायर, और नीचे में कितना डिग्री है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एन के पावर फोर, डिग्री भी सेम कर देते हैं ऊपर और नीचे। ये भी समझ सकते हैं कि बीएम कैसे लेंगे, डिग्री सेम करने के लिए, अगर डिग्री सेम करने के लेते हैं तो वो भी कंडीशन आपका सही है। मान लिया कि इसमें एन स्क्वायर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉमन लगा तो एन स्क्वायर, इसमें कॉमन लगा कितना एन स्क्वायर, ये वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये टर्म पता बच जाएगा आपका फिर नया टर्म लाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कन्वर्ज है कि नहीं, कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है इसके लिए। तो क्या जहां एक्स्ट्रा देखिएगा उतना ही से क्या करेंगे, वी टेक वीएम बराबर कितना लगे वन बटे एन स्क्वायर, जितना डिग्री एक्स्ट्रा है नीचे में, नीचे में ऊपर में तो ऊपर में, जैसे बोलेगा ऊपर डिग्री बढ़ा है तो ऊपर लेंगे एन स्क्वायर लेंगे, अगर एन स्क्वायर ऊपर में दो एन स्क्वायर होता है नीचे में एन सिंगल होता है एन स्क्वायर लेते हो। ये कंपेरिजन करने का तरीका है। और नौ वी है कितना, आप कंपेरिजन कीजिए, लिमिट ले लीजिए एन टू इंफिनिटी, जहां लिमिट से कंपेरिजन करने जा रहे हैं तो वी एन अपने तरफ लेना पड़ता है कितना, जितना वो एक्स्ट्रा एन स्क्वायर आपका है, एन के पावर टू एक्स्ट्रा है तो टू एक्स्ट्रा, एन के पावर थ्री बाई टू एक्स्ट्रा किस में रहेगा क्या लेंगे थ्री बाई टू लेंगे, एन के पावर वन बाई टू एक्स्ट्रा रहेगा तो वन बाई टू लेंगे, अगर एन के पावर वन एक्स्ट्रा है तो एन पावर वन लेंगे, ठीक है हो गया। अब देखिए विभाग कीजिए कितना हुआ लिमिट एन टू इनफिनिटी, यहाँ भी एन कॉमन लेंगे तो टू माइनस वन बाई एन इंटू कितना टू एन डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ एन कॉमन लेंगे स्क्वायर तो क्या स्क्वायर हो जाएगा टू प्लस वन बाई एन इंटू, यहाँ भी एन कॉमन लेंगे तो स्क्वायर क्या स्क्वायर हो जाएगा टू प्लस टू बाई एन, अब कितना बटे वन बटे एन स्क्वायर तो क्या एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हुआ एन स्क्वायर कट गया एन से एन कट गया सब कट गया, तो क्या हुआ टू इंटू टू बटे टू का स्क्वायर फोर इंटू फोर एन कितना हो गया वन बाई फोर, और वन बाई फोर क्या है फिक्स वैल्यू है फिनाइट है और नॉन जीरो है, क्लियर हो गया आपका। विच इज फिनाइट एंड नॉन जीरो एंड नॉन जीरो, अब फिनाइट और नॉन जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज कन्वर्ज दिखाने के लिए क्या हुआ वीएन लेना पड़ेगा, बट वीएन कितना हुआ वन बटे क्या एन स्क्वायर, और यह क्या होता है यह कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज क्यों कन्वर्ज हुआ क्योंकि यहां पर पी का जो वैल्यू है टू क्या है बड़ा है वन से, अगर पी वन से बड़ा हो जाए तो बाई पी सीरीज से कह सकते हैं क्या क्या है कन्वर्ज, कन्वर्ज हो जाए, इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, जैसे कन्वर्ज करेगा, क्लियर हो गया। इस तरह से हमें एनालिसिस की आज आपका किस पर एनालिसिस की है कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन सीरीज यानी पी द पी सीरीज के ऊपर, और बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल बन जाएगा आपसे, बनाइएगा नहीं बनेगा पूछिएगा नेक्स्ट डे।